नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपी समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर में लिया मां का आशीर्वाद। 28 साल बाद पारिवारिक कार्यक्रम में हो रहे शामिल। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने गृह राज्य उत्तराखंड की 3 दिन की निजी यात्रा पर आए हैं। पिछले 28 वर्षों में यह पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पौड़ी गढ़वाल के अपने गांव पंचूर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां सरस्वती देवी से मिले, अपनी मां सावित्री देवी से मिले। मां ने योगी के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने अपने इन भावुक पलों की एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए सिर्फ एक शब्द मां लिखा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 5 साल पहले अपने गांव आए थे। योगी आदित्यनाथ से उनकी 3 बहनें घर आई हुई हैं। साथ ही उनके 3 भाई भी घर पर मौजूद हैं। पूरे गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर उत्सव नजर आ रहा है। गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण कर भावुक हुए योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने गृह जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के एक कॉलेज में अपने आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। विद्यारणी में सहयोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को याद करते हुए भावुक भी हो गए और कहा कि उनकी जन्मभूमि में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए वह अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। महंत अवैधनाथ का जन्म यहां कांडी गांव में हुआ था, हालांकि 1940 के बाद यहां वह कभी नहीं आए। इस मौके पर अपने 6 स्कूली शिक्षकों को भी सम्मानित किया और कहा कि इसके लिए वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह पौड़ी के पंचूर में पैदा हुए और यमकेश्वर के निकट चमोट खाल के एक स्कूल में उन्होंने कक्षा 1 से 9 तक की पढ़ाई की। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें अपने उन स्कूली शिक्षकों की भी याद आ रही है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। पलायन को उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को बचाने के लिए पलायन को रोकना होगा, क्योंकि उत्तराखंड देश की उत्तरी सीमा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच पिछले 21 वर्षों से चली आ रही परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या का समाधान अब अंतिम चरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।